अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कई मुस्लिम छात्र नेता और छात्र हैं जो कि भारत विरोधी आंदोलन में हमेशा आगे रहते हैं और कई तो पाकिस्तान का सपोर्ट कर भारत में आजादी की मांग करते रहते हैं। ऐसा ही एक मुस्लिम छात्र नेता फरहान जुबैरी, जो एएमयू में कई आंदोलन को लीड करते हुए देखा गया और उसने भारत विरोधी नारे लगाए। सुन ले ए मोदी सरकार, नहीं लड़ेंगे अपनी बात। सुन ले ए संघी सरकार, नहीं लड़ेंगे अपनी बात। सुन ले ए हिटलर के यार, नहीं लड़ेंगे अपनी बात। सुन ले ए ताड़ी पार, नहीं लड़ेंगे अपनी बात। चाहे जितना अत्याचार, नहीं लड़ेंगे अपनी बात। यूनिवर्सिटी पर अत्याचार, नहीं लड़ेंगे अपनी बात। एएमयू पर अत्याचार, नहीं लड़ेंगे अपनी बात। आखिरकार अलीगढ़ पुलिस ने इस मुस्लिम छात्र नेता फरहान जुबैरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस को फरहान जुबैरी की कई मामलों में तलाश थी। फरहान जुबैरी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का मास्टर ऑफ सोशल वर्क का छात्र है और वो बदायूं का रहने वाला है। फरहान ने एएमयू में कई भारत विरोधी आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसके बाद वो पुलिस की हिट लिस्ट में आ गया। बताया जा रहा है कि फरहान के खिलाफ कुल 12 मुकदमे फाइल हैं, जिनमें से एक मामले में एफआईआर लगी है, बाकी 4 मामलों में चार्जशीट है, जबकि 7 मामलों में जांच चल रही है। सभी मामलों में पहली बार फरहान जुबैरी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। आज थाना सिविल लाइन द्वारा फरहान जुबैरी नाम के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, जो कई अभियोगों में वांछित चल रहा था। 15 दिसंबर को जो एएमयू में कानून व्यवस्था संबंधी घटना हुई थी, उसमें तथा अन्य 6 अभियोगों में गिरफ्तारी की गई, और इसके अतिरिक्त थाना सिविल लाइन पर करीब 11 अभियोग फरहान जुबैरी के विरुद्ध पंजीकृत है। फरहान जुबैरी हमेशा नारेबाजी हो या भाषणबाजी, सभी में आगे रहता था। वैसे तो छात्र राजनीति में अपना करियर बनाना अच्छी बात है, लेकिन उसी राजनीति का फायदा उठाकर देश विरोधी नारे लगाना गलत काम भी है और देशद्रोह भी। फरहान जुबैरी जैसे न जाने देश में ऐसे कितने छात्र हैं जो भटक गए हैं और गलत रास्ते पर चले गए हैं। इन्हें समझाना होगा कि देश से बढ़कर एक इंसान के लिए कुछ नहीं होता। अलीगढ़ से न्यूज़ के लिए अजय कुमार की रिपोर्ट।